हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रशांत कुमार अगेन फ्रॉम कोलकाता। तो आज मैं जो वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ सिखाने के लिए, फ्रेंड आप देख ही रहा है ये डिज़ाइन में आज आप लोगों को सिखाऊंगा। और इसमें फ्रेंड क्या होगा, ज़्यादातर ये फैब्रिकेशन है, फैब्रिक किया है और कलर से, और उसके बाद मैंने स्टिच किया है, जो राउंड स्टिच होता है ना वो मैंने किया है इसके ऊपर। और ये बहुत ही सिंपल है किस तरीके से करते हैं फ्रेंड। फैब्रिक ज़्यादा दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है और स्टिच भी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सभी जानते हैं खामों का वीडियो बड़ा हो जाएगा। मैं बहुत ही शॉर्ट करके इस वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों के पास मैं ये डिज़ाइन पहुँचा सकूँ फ्रेंड। तो ये हमारा कोशिश था और चलिए डिटेलिंग में दिखा रहा हूँ। आपने अभी तक अगर हमारा चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो हमारा वीडियो तुरंत देखने के लिए और नोटिफिकेशन मिलने के लिए आपको हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो ये देखिए मोबाइल यूज़र इसी तरह जैसे कि सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसमें क्लिक कर दीजिए, और क्लिक करने के बाद साइड में जो बेल जो एक बटन है ऑप्शन है उसमें क्लिक कर दीजिए, ताकि आप लोगों को ये क्लिक करने से क्या होगा, हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे आपको। तो फ्रेंड ये देखिए जो डिज़ाइन आपने देखा है उसे तैयार करने के लिए इसी तरह ड्राइंग चाहिए। ये कागज़ में मैंने किया है और इसके बाद हमें क्या करना है, एक ट्रेसिंग पेपर पे करना है। देखिए वो ट्रेसिंग पेपर में दिखा रहा हूँ, ये देखिए इसी तरह ट्रेसिंग पेपर में उसके बाद करना है। और ये मैं अपने मुंह से सिर्फ बोल रहा हूँ, नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि फैब्रिक कोर्स में मैंने इसका प्रोसीड्यूर बहुत बार बताया और हमारा ये टेक्निक जो मैंने यूज़ कर रहा हूँ आप लोगों को, इसमें भी मैंने जो पहले वाला जो वीडियो है शायद कॉल का करके उसमें भी मैंने बताया। और इसमें फ्रेंड मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि एक ही चीज़ बार बार बताने से वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, तो इसी तरह जो कपड़ा में जिसमें हम फैब्रिक करेंगे उसमें हम करेंगे। मैंने आप लोगों को बोला फिर एक पीस के लिए मैंने पेंसिल से ड्रॉ कर लिया है, ये जो ट्रेसिंग पेपर है इसे मैंने नीचे दे दिया है और उसके बाद पेंसिल से इसी तरह मैंने ड्रॉ करके लिया है एक पीस के लिए। अगर ये हज़ारों होता तो हमने ये जो ट्रेसिंग प्रोसेस है उसे हम लोग करते। तो चलिए वो ज़्यादा बातचीत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग जानते हैं वो बात। अगर किसी को ना याद है और समझ में ना आए तो हमारा जो फैब्रिक कोर्स में फ्रेंड जो ट्रेसिंग वाला जो टाइटल दिया हुआ है एक जगह है किस तरीके से हम लोग ट्रेसिंग करते हैं, वो वीडियो आप देख सकते हो। और मैं इसमें सिर्फ दिखाऊँगा आप लोगों को। और ये फैब्रिक करने के लिए मैं ब्रशिंग करूँगा, और ब्रशिंग में क्या होता है फ्रेंड, आप इसी तरह ब्रशिंग करेंगे तो नीचे लग जाएगा, उसमें क्या होता है ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, मगर प्रॉब्लम होता है जो कलर इफेक्ट हम चाहते हैं वो नीचे ही चले जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक नीचे गैपिंग चाहिए, किसी भी हाल में आपको नीचे गैपिंग चाहिए। तो इसके लिए हमें इसी तरह एक फ्रेम चाहिए, ये देखिए इसमें हमें फैब्रिक करना है। और नीचे देखिए मैंने गैपिंग रखा है, ये जो फ्रेम का जो थिकनेस है वही गैपिंग है। तो ये मेरे ख्याल से यार आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें, मैं एकदम सिंपल सा एक टेक्निक आप लोगों को दिखा रहा हूँ, बहुत ही सिंपल है। तो चलिए इसी तरह हम कलर लेंगे, ड्राई कलर, और इसमें हम ब्रशिंग टेक्निक हम इसमें यूज़ करेंगे, ठीक है फ्रेंड। इसी तरह करके हम एक ब्रशिंग वाला जो टेक्निक होता है वो हम यूज़ करेंगे। फिर से मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए मैंने और दो कलर इसमें देना चाहता हूँ तो इसलिए मैंने इसमें गैपिंग रख रहा हूँ, और फिर से मैं इसे करूँगा। और मानिए मैंने इसमें करना चाहता हूँ गैपिंग करके, उसके बाद इसी तरह ये देखिए इसी तरह करेंगे। और इसमें क्या हो रहा है फ्रेंड, देखिए नीचे हमारा गैपिंग है, थोड़ा सा कलर नीचे जाएगा मगर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए इसी तरह पूरा ब्रशिंग करके और जो नया हम टेक्निक यूज़ करेंगे आप लोगों को ज़रूर दिखा देंगे और बता देंगे। और ये दो मैंने दिखा दिया है आप लोगों को, और इसी तरह ऑल्टरनेशन करके हम कलर करेंगे। तो चलिए पूरा करके उसके बाद में दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड ये देखिए मैंने इसे ब्रशिंग कर लिया है, और सभी ब्रशिंग टेक्निक मैंने लिया है। ये देखिए क्रिम्सन दिया है, ये इंडियन रेड दिया है, ये सब ग्रीन दिया है, और ये मैंने ऑरेंज दिया है। तो ऑल्टरेशन करके मैंने सभी कलर दिया है इस जगह में। इसके बाद मैं एक स्टिच करूँगा, राउंड स्टिच करूँगा, और थोड़ा सा और अलग टेक्निक में आप लोगों को दिखा दूँगा, करके दिखाऊँगा फ्रेंड, क्योंकि ये सब डिज़ाइन दिखाना बहुत मुश्किल है और बहुत वक्त लगता है। तो ये देखिए जो इसका जो आँखों क्या है, देखिए इस तरह से मैंने पूरा इसे फैब्रिक करके इसे ड्राइंग कर दिया है, और बाकी जो बचा जो काम हम स्टिच में करेंगे।
तो चलिए मैं दिखा रहा हूँ। और एक बात मैं बता दूँ फ्रेंड, आप लोगों को तो टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, इसे कहाँ पर किस तरीके से यूज़ करना है और क्या टेक्निक यूज़ किया है मैं आप लोगों को दिखा दिया है, और इसके बाद जो हम टेक्निक यूज़ करेंगे वो भी दिखा देंगे, और आप क्या क्या कर सकते हैं वो भी दिखा देंगे। तो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, और इससे आगे इसी तरह जैसे कि पैच वर्क बोलिए और कुछ भी बोलिए, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग से मिक्स करके हम बहुत कुछ बना देंगे नया तरीका से हम। चलिए हम चैनल को फॉलो करते रहिए, हम धीरे धीरे सभी वीडियो बना देंगे। और चलिए मैं स्टिच करके उसके बाद में दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड ये देखिए हमारा डिज़ाइन तैयार हो गया है। आप लोगों को मैंने बोला था फ्रेंड जो स्टिच में नहीं दिखाऊंगा, स्टिच करके उसके बाद दिखाऊंगा, क्योंकि ये तो सिंपल सा रन स्टिच है और ये किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं, सभी जानते हैं। तो फिर भी मैं बता रहा हूँ फ्रेंड, रन में क्या होता है, आपको ऊपर जो गैपिंग रहता है दोनों स्टिच का जो गैपिंग रहता है वो थोड़ा सा कम रहता है, ठीक है। और कातर स्टिच में क्या होता है, हम थोड़ा सा बड़ा करके हम स्टिचिंग देते हैं। तो इस वीडियो में और बोलने के लिए फ्रेंड कुछ भी नहीं रहा है, आप लोगों को पता चल ही रहा है, और इसके बाद में इसको दिखा दूंगा आप लोगों को। मैं एक तो कंप्लीट कर लिया, मगर दूसरी जब दिखाऊंगा आप लोगों को किस तरीके से डिज़ाइन होता है, सिर्फ आपको एक लेआउट में दिखाऊंगा और आप लोगों को देखकर पता चल जाएगा ये कहाँ कहाँ पर यूज़ करना है, और आप खुद ही कर सकते हो। ये इतना अच्छा डिज़ाइन है तो हमें बोलने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करता हूँ, आज के लिए इतना सा था फ्रेंड, बाय बाय, टेक केयर, शुभरात्रि एंड गुड नाइट। और ये देखिए फ्रेंड, जो हमारा जैसे कि फिश की तरह एक कल का जो डिज़ाइन है तो उसे आप लोग इसी तरह यूज़ कर सकते हो। मैं परफेक्टली कुछ ड्राइंग्स में नहीं बनाया, सिर्फ ब्लॉकिंग करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो ये फ्रंट जो फेस, दोनों फेस एक ही तरफ है, और ये ऊपर पे बूटी की तरह है, और दोनों फेस एक ही साइड में है इसका, और इसका इसी तरह इस जगह में भी उसी तरह स्टाइल आप लोग यूज़ कर सकते हो, गले में भी यूज़ कर सकते हो इसी तरह भी, और भी बहुत सारा होता है, अगर बनाया जाए तो बहुत कुछ होता है एक डिज़ाइन से। तो आप लोग ये हमारा चैनल में जितना डिज़ाइन हम दे रहा है तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ ही जा रहा है, और क्योंकि मैं ऐसे तरीका दिखाता हूँ, आप एक सीखे आप करें हजार। तो चलिए हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा।